हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एसएससी वाला। चलिए दोस्तों, जनरल नॉलेज यानी कि आपके जेएसएससी जे एग्ज़ाम में सॉरी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज का 30% पूछे जाएंगे 90 मार्क्स का, उसी का हम लोग सेट फाइव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सेट फाइव। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, और सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं या ये नहीं कि जनरल नॉलेज का ही सिर्फ कर रहे हैं। कंप्यूटर कर रहे हैं, झारखंड जीके कर रहे हैं, मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिक कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, सारा चीज़ का कर रहे हैं दोस्तों। आपको दिक्कत और नहीं होने वाला है, पेपर थ्री में रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो। ठीक है, तो सबका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, दिक्कत आपको नहीं होगा देखने में। ठीक है, चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पे जुड़ जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए क्यूबा की राजधानी कहाँ ये बताइए। क्यूबा, बताइए क्यूबा, क्यूबा की राजधानी कहाँ बताइए दोस्तों। बाकू, वर्न, हरारे, हवाना। तो क्यूबा का राजधानी हवाना है, कहाँ पे है, हवाना है। तो क्यूबा का क्या करेंसी क्या होता है बताइए, क्यूबा का करेंसी, क्यूबा का करेंसी होता है दोस्तों पेसो। क्या होता है, पेसो, याद रखना। ठीक है, क्यूबा का राजधानी हवाना होगा, हवाना राजधानी और पेसो इसका करेंसी होगा। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी, चलिए तो कौन से दोस्तों, याद रखें बांग्लादेश। ठीक है, कब कब शपथ है, 2015 डेट याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट है। 111 किलोमीटर क्या किया था, 111 किलोमीटर, 111 क्षेत्र, 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को इंडिया ने दिया था, और बांग्लादेश इंडिया 51 किलो, ठीक है, 51 क्षेत्र, तो याद रखना ये डेट, याद नहीं 2015 याद रखना है, और बांग्लादेश के साथ किया था। ठीक, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है, रवि दहिया के बारे में बताइए। बताइए रवि दहिया क्या था, एक तो ये कुश्ती, ठीक है, कुश्ती, रवि दहिया कुश्ती, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस अभिनेता को वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था, 2021 का बात किया गया। रजनीकांत, किसको, रजनीकांत को। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, बताइए। संविधान की 8 शेड्यूल्ड में टोटल 8 भाषाओं को शामिल किया गया था, सॉरी 22 भाषाओं को। हाल ही में किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए GI टैग मिला है, सोजत मेहंदी, बताइए सोजत मेहंदी का GI टैग किस राज्य का है, किस स्टेट का है। तो दोस्तों याद रखना आपको सोजत मेहंदी राजस्थान, कहाँ का, राजस्थान का GI टैग है। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, कब, डेट याद रखना, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटवार किसने की थी, महमूद गजनी, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह। दस सौ पच्चीस ईस्वी याद रखना, ठीक है, सोमनाथ मंदिर में कौन हमला किया, लुटपाट किया दोस्तों, महमूद गजनवी ने, महमूद गजनी ने, कौन किया था, महमूद गजनी, याद रखना है वो। ठीक है, महमूद गजनी। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमानामा युद्ध का पुस्तिका के रूप में किया गया था, रजमानामा, बताइए। अकबर के शासन के ध्यान रखना, अकबर किसके शासन का क्या हो गया आज, अकबर के शासनकाल याद रखना, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमानामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था, तो महाभारत, ठीक है, महाभारत, इसका आंसर महाभारत होगा, महाभारत का अकबर के टाइम में। ठीक है, फ्रंटियर गांधी,
फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? कौन है दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर सी हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट बताना है कौन सा था ये। बताइए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसको? 1773 एग्जीक्यूटिव एक्ट किसे बनाया गया था? बताइए, एलिजा एमपे। ठीक है, इसको बनाया गया था एलिजा एमपे, प्रथम बनाया गया था इसमें। ठीक है, एलिजा एमपे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, एलिजा एमपे याद रखना है, कलकत्ता में एलिजा एमपे। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्य गवर्नर? बताइए, उत्तर प्रदेश की थी ना, बताइए क्या नाम था उसका? सरोजनी नायडू, यही ना था, सरोजनी नायडू। 11 का ये सुचेता कृपलानी पहला मुख्यमंत्री, याद रखना है, सरोजनी नायडू गवर्नर थी और सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री सीएम पहली। चलिए, मैच द कॉलम करना, आपको इसको छोटा कर देते लीजिए। अब बताइए, इस पर मैच द कॉलम करना, मल्लिकार्जुन, बिस्मिल्ला खान, टी एन कृष्णन, असद अली खान। बताइए, बिस्मिल्ला खान, ये तो मार सकते हैं, बिस्मिल्ला खान तो सबको पता होता लगभग, ठीक है, सभी को जानता है बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान बताइए, बिस्मिल्ला खान तो पता है शहनाई होता है, ठीक है, बिस्मिल्ला खान शहनाई। तो सी का वन देख लीजिए कहाँ पर है, सी का वन देखिए, एक ही ऑप्शन से पता चल गया, देखिए अब तू तो असद अली खान, ये क्या है, वीना, असद अली खान वीना, मल्लिकार्जुन शास्त्रीय संगीत, बिस्मिल्ला खान तो शहनाई, टी एन कृष्णा जो बोलेगा वायलिन, टी एन कृष्णा, टी एन कृष्णन, ठीक है याद रखिएगा वायलिन। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? किससे किया गया था? 10 डिग्री चैनल से किया गया। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मुदुमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? मुदुमलाई, मुदुमलाई बताइए, तमिलनाडु में, कहाँ पे है? तमिलनाडु। 15 का सी हो जाएगा। दूध उत्पादन के समस्या में भारत में कौन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूध के मामले में, क्योंकि बिहार सीजल में 3 से 4 सवाल एक्सेप्ट पूछा गया था इस टाइप क्वेश्चन, अंडा का मामले पूछ जाता, दूध के मामले पूछ गया था, चिकन के मामले से कुछ बहुत सारा पूछा हुआ था, इसका अलग से एग्जाम के टाइम इसका अलग से बना के वीडियो देंगे। ठीक है, लगभग 15 से 20 का बताएंगे कि कौन सा टॉप में है, इंडिया में कौन सा राज्य टॉप में है और विदेश में कौन सा टॉप, समझ रहे कहने मतलब। तो दूध उत्पादन के मामले में भारत का बताइए कौन सा स्थान है, तो आज रखिएगा पहला स्थान है। ठीक है, भारत में स्थापित हमला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कौन सा दोस्तों? तारापुर है। कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। कणिका तत्व, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्सिनोजेनस। नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डेस्क के बीच में अंतर जानता है। हुंडी, विनियम पत्र, तरल परिसंपत्तियां, बॉन्ड। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा बी, विनियम पत्र। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियम के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेवार है? नाबार्ड, सेबी, बताइए, ये दोनों में इसको एक होगा, बताइए। सेबी हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है?
मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया ये तो किया जाता है, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय किया जाता है, लॉटरी जीतना ये नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लॉटरी जीतना इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1991 में। कब? 1991 में। मिनी संविधान किसे बोला गया बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ताइस का सॉरी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 भी डेट याद रखना है। 44 वाला का 1978, 7वां 1956 और 24वां 1971, ये दोनों दोनों याद रखना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देश निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, संसद के चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अच्छा जी, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 24 का ए। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकारता का फैसला कौन करता है? कौन करता है? या अध्यक्ष ही करेगा, और कौन करेगा? पंचायती राज की सूची में सम्मिलित है, बताइए, राज्य सूची में। ठीक है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, बैन के मून, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का पुस्तक का लेखक कौन है? वॉन की मून, इसका आंसर हो जाएगा सी। रक्षा मंत्रालय निम्नलिखित में से किस युद्धक टैंक के संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? T-90 भीष्म, T-72 अजय, K-2 ब्लैक पैंथर, अर्जुन टैंक। तो T-90 भीष्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में, सामुदायिक विकास 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया है, क्या तैयार किया है? सामुदायिक विकास पंचायती राज के गठन के। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? झारखंड के बोला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, बताइए, प्रथम मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी से चल रहे थे उस टाइम पे, फिर अपना पार्टी बनाया, फिर अभी बीजेपी में ही बाबूलाल मरांडी। ठीक है, कौन था उस समय प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? इंदर सिंह नामधारी, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग को सेट 5 कंप्लीटेड। उम्मीद करते हैं आपका 30 में से 22 से 25 जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।